मुझे बस कमेंट करके सिर्फ इतना बताइएगा कि मुझे यूट्यूब बनाना छोड़ देना चाहिए कि नहीं, और मेरी वीडियोस में कहाँ कमी रहती है, आप किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनु पवार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल तनु पवार 1 2 3 4 ब्लॉग्स में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से, मतलब ब्लॉग भी नहीं होगा और ना ही होगी कॉमेडी वीडियो, ये एक केवल कन्वर्सेशन वीडियो है जिसमें कि मैं अपनी फैमिली यानी कि आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी और अपनी वीडियोज़ के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कई बार अपने वॉच टाइम के बारे में बताया है कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वीडियोस बनाते बनाते मुझे लगभग 1 साल होने वाला है 18 नवंबर को। तो हर दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे मेरे दिल में दुख 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 वैसे हर दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हो पाया तो जो मेरी 1 साल की मेहनत है वो सारी चली जाएगी पानी में। तो मुझे केवल आप लोगों से ये जानना था कि मतलब मेरी वीडियो में कहाँ कमी रहती होगी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब मैं एकदम परफेक्ट वीडियो बनाती हूँ, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी होगी तभी मेरे व्यूज़ भी नहीं जा रहे हैं। और डिमोटिवेट मैं इसलिए हो रही हूँ, मतलब मैं लोगों के कहने से नहीं होती डिमोटिवेट, डिमोटिवेट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ बट आजकल ना बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे ना तब जाके मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ और मेरा सच्ची वीडियो बनाने की फिर इच्छा भी नहीं हो रही। और दोस्तों मैंने ना एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि मेरी मतलब हम कितना भी वीडियो बना ले बट फेमस नहीं हो पाते हैं, तो कई लोगों ने मुझे उसमें ना ऐसे भी कमेंट किए थे कि क्या लगे हो वीडियो के चक्कर में, इससे अच्छा पढ़ाई करो IAS IPS बनो। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं किसी इंजीनियर को बोलूँ कि वो किसी का ऑपरेशन कर दे तो क्या वो कर पाएगा, तो वैसे ही हालात हमारे साथ हैं। पढ़ाई का ABCD भी मेरे दिमाग में नहीं घुसता है और ना ही मेरी पढ़ने की इच्छा करती है। सच बोलूँ वीडियो बनाना मेरे को दिल से ही अच्छा लगता है और वो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जो हमको खुद पसंद होता है। सच्ची बोलूँ पढ़ाई का तो देखे ही मुझे ऐसे घबराहट होने लगती है और मैं चल एक दिन पढ़ भी लूँ पर दूसरे दिन बुक खोलना नामुमकिन हो जाता है मेरे लिए, तो ऐसा है कुछ। और सबसे ज़्यादा बुरा ना मुझे बस वो ही है कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे और 1 साल अगर पूरा हो गया और वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस में कहाँ कमी होगी, मतलब कुछ तो कमी होगी तभी तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, या क्या चीज़ बेकार बन रही होगी। थोड़ा आप लोग भी कमेंट करके मुझे सजेस्ट करो और ना आप लोग ये भी मुझे ज़रूर बताना कि क्या मुझे यूट्यूब में वीडियोस बनाना छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर वीडियोस सही नहीं बन रही, हमारी ऑडियंस खुश नहीं है और व्यूज़ भी सही नहीं आ रहे और तो क्या ही फ़ायदा होगा ना। और मैंने ना कई सारे लोगों से सुना है कि वीडियोस तो हम अपनी मेमोरी सेव करने के लिए बनाते हैं बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मेमोरी सेव करनी होती तो हम कभी कभी बनाते हैं किसी पर्टिकुलर ओकेज़न पे, जब कुछ खास होता है हमारे घर में फंक्शन तो उसकी मेमोरी सेव करने के लिए तभी बनाते, और अब हम डेली डेली बना रहे हैं है ना, तो कुछ सोच के ही कि हम भी इससे थोड़ा पैसा कमाएँ, हर कोई चाहता है वो पैसा कमाएँ है ना, तो यही सोच के मैंने भी अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की है। और दोस्तों आपको पता है पहले ना जब मैंने मतलब ब्लॉग बनाना शुरू किया था तो मैं क्या सोचती थी कि लोग प्रथम क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, ये करते हैं और बस बन जाती है वीडियो, पर ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब जो काम मैं खुद कर रही हूँ तो तब जाके इंसान को पता चलता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। हर दिन सोचना पड़ता है कि क्या कंटेंट बनाना है और रात को कभी कभी जब नींद भी आ रही होती है तब भी वीडियोज़ को एडिट करना होता है, और अगर वीडियो एडिट भी हो गई तो उसके बाद थंबनेल बनाना सोचना होता है कि इसमें आज क्या बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब खिचड़ पिचड़ कभी कभी, और थंबनेल कभी कभी तो समझ में भी नहीं आता कि कैसा बनाना है, कभी कभी वीडियो समझ में नहीं आती है कैसा बनाना है, और कभी कोई गलत कुछ बोल दे तो तब भी थोड़ा मतलब चाहे बुरा तो लगता ही है ना, चाहे हम कितना भी बोले कि हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं पर थोड़ा बुरा तो लग ही जाता है अगर कभी किसी ने कुछ बोल दिया वीडियोज़ के बारे में, पर चलो उसको भी साइड छोड़ो, मेहनत बहुत ज़्यादा है, हम मेहनत भी कर रहे हैं पर अगर उसका फल ही नहीं मिल रहा तो क्या ही फ़ायदा। मैं तो बस यही कहूँगी कि हर यूट्यूबर चाहे वो अच्छी वीडियो बनाता हो या बेकार बनाता हो, चाहे वो कैसी भी बनाता हो, अपने लेवल के बनाता है जितना मतलब किसी से हो पाएगा, मतलब मेरे से भी जितना हो पा रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ,
और हर दिन कोशिश रहती है कि अच्छा से अच्छे बनाऊं, और हर दिन कुछ ना कुछ सीखता भी है इंसान वीडियो बनाते बनाते। मैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियो देख रही थी ना, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं कैसा बोल रही थी उस टाइम, तो मुझे बोलना भी नहीं आता था। जब मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत भी करती थी तो मैं बोल रही थी, हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो लगता है कि हाँ हमने कुछ सीखा है। आज मेरी कन्वर्सेशन थोड़ा सही हो चुकी है, मतलब मैं बोल लेती हूँ वीडियोस में जल्दी जल्दी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। तो धीरे धीरे करके ही सीखता है इंसान, ऐसा कोई है नहीं जो पेट से ही सीख के एकदम से आ जाता होगा। तो धीरे धीरे टाइम लगता है हमें, हम भी मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम भी सीखते रहेंगे। पर बस मुझे क्या ही बोलो दोस्तों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बस मुझे यही, मैं यही कहूँगी आप लोगों से, प्लीज़ हम इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियोस देख लीजिए, लिया कीजिए। ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, अगर आपको लगता है कि 8 मिनट की वीडियो बनाई है, कम से कम 3 मिनट देख लिया करो, कोई बात नहीं, बहुत है हमारे लिए। अगर आपने अपना कीमती समय में से हमें अपने 3 मिनट भी दे दिए, और अगर 4 मिनट की वीडियो रहती है तो 2 मिनट तो देख लीजिएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, प्लीज़। और बोला जाता है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ दगड़ियों, पर मुझे तो हार ही हार दिख रही है, मुझे तो जीत कहीं पे भी नहीं दिख रही है, क्या करूँ मैं। और इसकी एक आगे की लाइन, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखते हैं हमारी मेहनत कब तक रंग लाती है। और आप मुझे बस कमेंट करके सिर्फ इतना बताइएगा कि मुझे यूट्यूब बनाना छोड़ देना चाहिए कि नहीं, और मेरी वीडियोज़ में कहाँ कमी रहती है, आप किस टाइप की वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे, मतलब ब्लॉगी या कॉमेडी जैसे भी। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना आशीर्वाद प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों, आज जैसे मैंने आपको इतना बड़ा भाषण दे के सुना दिया, अगर ऐसे ही भाषण मैंने कभी अपनी स्कूल में दिया होता तो बेस्ट भाषण अवार्ड मुझे ही मिलता है ना। खैर कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात थी, बट सच में ही दोस्तों मैं ना क्या ही बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।